नमस्कार दोस्तों, पुष नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ये माना गया है कि इसी नक्षत्र में धन व वैभव की देवी लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। जब पुष नक्षत्र गुरुवार एवं रविवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु पुष्यामृत योग और रवि पुष्यामृत योग कहते हैं। ये दोनों योग धनतेरस के समान ही शुभ माने गए हैं। इसी प्रकार इस बार 28 जुलाई यानी कि कल गुरुवार के दिन गुरु पुष्य का विशेष दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये योग विशिष्ट और अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। तो आज हम आपको इस वीडियो गुरु पुष्य योग के दौरान कुछ ऐसे 5 चमत्कारी उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके घर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं पहले उपाय से। धन धान्य की वृद्धि के लिए श्री यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। अगर इसकी स्थापना आप गुरु पुष्य योग में करते हैं तो ये अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग में श्री यंत्र की स्थापना अन्य दिनों की तुलना में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। दूसरे उपाय के तौर पर आपको बता दें कि इस शुभ अवसर पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करके सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास सफेद मिठाई ना हो तो आप घर में दूध और चावल की बनी खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम दारिद्राय विनाशिन्याय धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके लिए धन के मार्ग खुल जाएंगे। इसके अलावा कल गुरु पुष्य योग के शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रंगोली बनाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस शुभ योग में घर में दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करने से घर में धन की वृद्धि होती है। बात करते हैं अगले उपाय की। इस शुभ योग में पति और पत्नी दोनों को कुछ सोने की वस्तु अवश्य धारण करनी चाहिए और साथ में बैठकर मां पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप लाल चंदन को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। ऐसा करने से आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी और आपके घर में फालतू खर्च भी कम होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह और शाम में मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन चावल, दाल, खिचड़ी, बूंदी के लड्डू आदि का सेवन और दान करना शुभ रहता है। गुरु पुष्य योग पर खरीदारी के साथ यथाशक्ति दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, फल, अनाज और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए कुछ पैसों का दान जरूर करें। आखिरी उपाय के तौर पर आपको बता दें कि गुरु पुष्य योग जैसे दुर्लभ योग में भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करें। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से सभी अशांत ग्रह शांत होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।